नमस्कार, हम बानी संजय वर्मा और रउआ लोग देख रहल बानी भोजपुरिया अड्डा। रउआ लोग के 2017 के हार्दिक शुभकामनाएं हमरी तरफ से, और आपो लोग हमरा के आशीर्वाद दें कि राउर बेटा 2017 में एकदम धमाल करे आ कॉमेडी में हंसा हंसा के पेट पाका कह दे। तो ठीक रही कि ना? इस फिल्म के लिए डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। उस दिन पहले ही रामपाल जी इस फिल्म के, इस प्रोजेक्ट को लेकर मेरे पास आए थे, और शायद छठी मैया पे प्रॉपर कोई फिल्म भोजपुरी में अब तक नहीं आई है जो छठी मैया पे बेस्ड हो। बात करते हैं किरदार का कि एक तो आप लोग निगेटिव आपका हमेशा रहा, कॉमेडी भी रहा, इसमें किस तरह से प्ले करेंगे? एक धार्मिक फिल्म है ये। हाँ, इसमें एक तांत्रिक का किरदार है जो लोगों को भ्रमित करता है, जिसका विश्वास है कि वो, उसके पास सारी शक्तियाँ हैं और मेन हीरो हीरोइन को भटकाता है और लोगों को धर्म के रास्ते से अलग करता है। बाद में उसकी पोल खुलती है और ये सामने आता है कि ये टोटल फ्रॉड था। और इस तरह के किरदार हमारे सोसाइटी में बहुत होते हैं, लोगों को, जिनका काम होता है लोगों को भ्रमित करना। बड़ा मजबूत किरदार है तांत्रिक का इसमें मेरा। अभी ये 2016 की विदाई की समय आ चुकी है, और 2017 की क्या तैयारी चल रहा है आपका? 2017 में बहुत बड़ी बड़ी फिल्में हैं। बॉर्डर है, महेश पांडे की फिल्म है गबरू, और शिव नारायण सिंह जी की फिल्म है सिपाही, प्लस खेसारी के साथ एक फिल्म कर रहा हूँ मैं साल की शुरुआत में, जिला चंपारण, जिसके लिए फर्स्ट टाइम मैं बंगाल जा रहा हूँ। कलकत्ता और शांति निकेतन में फिल्म शूट हो रही है। तो भोजपुरी सिर्फ मेरे लिए नहीं, भोजपुरी के लिए, सारे टेक्नीशियन, सारे एक्टरों के लिए, मुझे लगता है कि 2017 बहुत अच्छा जाने वाला है। 2016 कैसा बीता? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इस साल दो अवार्ड मिले मुझे, एक सबरंग और एक भोजपुरी अवार्ड जो विनोद गुप्ता जी कराते हैं बेस्ट विलन का, एक राजा बाबू के लिए, एक फिल्म हुकूमत के लिए। और मेरी बहुत सारी फिल्में रिलीज़ हुई, बम बम बोल रहा है, काशी, दुल्हन जाए पाकिस्तान से, मोगामा, 0 किलोमीटर, और इस तरीके से बहुत फिल्में रिलीज हुई और बहुत अच्छा रिस्पांस रहा, राम लखन। तो बहुत अच्छा रहा ये साल मेरे लिए 2016 में। अपने दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि अब तो चैनल आपके घर घर आ गया है, भोजपुरी फिल्में आप चैनल्स पर देख रहे हैं। हालांकि इतनी गुजारिश है कि जो फिल्में रिलीज हों उसे हॉल में देखें। हम हॉल के लिए फिल्में बनाते हैं, हॉल से जब उतर चुकी होती हैं तब घरों में आती हैं। तो मोबाइल पे या सीडी पे फिल्में ना देखें, ये लाइन में हमेशा कहता हूँ, सिनेमा हॉल के लिए बनता है। तो भोजपुरी को बढ़ाएं, भोजपुरी भाषा को बढ़ाएं। मैं हमेशा नया साल या कोई भी त्यौहार हो, अगर फिल्म की शूटिंग में हूँ तो यूनिट के साथ मनाता हूँ, नहीं तो कोशिश करता हूँ अपने परिवार के साथ मनाऊँ। इस साल मेरी कोशिश है कि न्यू ईयर में गोवा में अपनी फैमिली के साथ मनाऊँ। और अब तमाम दर्शकों को संजय पांडे भोजपुरी फिल्म अभिनेता की तरफ से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके लिए नया साल मंगलमय हो, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। सबसे पहले नमस्कार, मैं हूं आनंदी मिश्रा। बहुत ही अच्छा सॉन्ग था, कनकने प्रिय सॉन्ग था और बहुत ही अच्छा लगा। जिस तरह फिल्म का टाइटल है जय छठी मैया की, तो टाइटल से भी एक पारिवारिक फिल्म है और आप लोग भी देखेंगे भी इस फिल्म को। मेरी अपकमिंग मूवी आ रही, अभी एक रिलीज भी हुई थी, बलम जी झूठ ना बोली, और अभी आ रही है जीतब हम प्यार के बाजी, कहानी काशी की, गैंग सब समस्तीपुर, दिल के करीब जब से आ गए तू,
सुल्ला पुकार भोलेनाथ, ये मेरी सारी फिल्म 2017 में आ रही है। अभी अपने दर्शकों से नया साल के लिए क्या कहना चाहेंगे? नया साल में मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा कि हमारी फिल्म जितनी भी आ रही है, जिस तरह आप लोगों ने हमें प्यार दिया है, और भी हमें प्यार चाहिए आप लोग की। और साथ ही साथ बहुत अच्छी फिल्म अभी रामपाल जी हमारे बना रहे हैं, जय छठी मैया की, जिसके डायरेक्टर है रामपाल जी। हमारे साथ में अंजना सिंह जी हैं, ऋतु पांडे जी हैं, संजय पांडे जी हैं, संजय वर्मा है, ऐश्वर्या जी हैं, सोनिया मिश्रा जी है। बहुत अच्छी एक पारिवारिक फिल्म बन रही है। आप लोग जिस तरह सभी फिल्मों को, हमारे फिल्मों को आप लोगों ने प्यार दिया है, उसी तरह इस फिल्म को भी बहुत बहुत प्यार दीजिए। बहुत पारिवारिक फिल्म है, पूरे परिवार के लोग इस फिल्म को बहुत आराम से देख सकते हैं। थैंक यू, जय माता दी। हाय फ्रेंड्स, मैं ऐश्वर्या राजपूत, और हम जो मूवी कर रहे हैं जय हो छठी मैया, आज उसका फर्स्ट सॉन्ग कंप्लीट हुआ है, जो कि साधना सरगम जी ने गाया। रियली बहुत ही प्यारा सॉन्ग किया उन्होंने, उसके लिए उनको दिल से थैंक्स। एंड जितने भी दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं, उनको भी आने वाले न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएँ, हैप्पी न्यू ईयर। एंड आप लोगों का ऐसा ही हमें प्यार मिलता रहे। हमारा जो भी ये छठ मैया का प्रोजेक्ट है, ये ऊंचाइयों पे जाए, उसके लिए आप लोगों का तहे दिल से थैंक्स। नमस्कार, हम वाणी संजय वर्मा, रउआ के बेटा, रउआ के भाई, रउआ के सब कुछ। आज जय हो छठी मैया फिल्म का रिकॉर्डिंग पर आप आए, विशेष दिन रामपाल जी को, ऐश्वर्या राजपूत जी को। जी जी, कैसा लगा आपका, क्या इसमें भूमिका क्या निभा रहे हैं आप? सर, अब बताने की तो ज़रूरत नहीं, कॉमेडी करता हूँ तो कॉमेडी करूँगा। लेकिन सबसे खुशी की बात है कि रामपाल जी ने ये बहुत अच्छा कदम उठाया है, क्योंकि हम कहीं जाते थे, लोग हमसे पूछते थे कि यार भोजपुरी में सिर्फ मारधार की फिल्में बनेंगी, कभी पारिवारिक फिल्म, मतलब भक्ति फिल्में नहीं बनेंगी क्या? तो ये बड़ा अच्छा रामपाल जी ने कदम उठाया कि एक भक्ति फिल्म बना रहे हैं छठी मैया जी के ऊपर, और ये मतलब हमारे ऑडियंस के लिए, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि छठी मैया जी के ऊपर हम फिल्म में काम करेंगे। तो मुझे अच्छा लगा कि रामपाल जी ने का ये जो कदम उठाया है, बहुत अच्छा है। बात करते हैं आपका अपकमिंग मूवी का, तो अभी कौन कौन सा मूवी तैयार हो गया रिलीज के लिए? जी जी, हो चुका है। जी जी, उसके बारे में थोड़ा चर्चा चाहेंगे। अभी लेटेस्ट मेरी ज्वाला रिलीज हुई थी, और जो रिलीज होने वाली हैं लुटेरे है, जिसमें भोजपुरी के सुपरस्टार पवन जी हैं, यश मिश्रा, गौरव झा और अक्षरा जी, ऋतु सिंह, पूनम दुबे, और इसके बाद अवधेश मिश्रा जी विलन में हैं। इसके बाद आ रही है चैलेंज, पवन जी हैं, मधु शर्मा जी हैं। इसके बाद आ रही है मोहब्बत, चिंटू जी हैं, काजल राघवानी, अरे काजल यादव जी हैं, हीरोइन हैं। और इसके बाद हमारी आ रही है रंग, कल्लू जी हैं, रितिका जी हैं। और एक बेहतरीन फिल्म और आ रही है आप लोग के सामने, निरहुआ हिंदुस्तानी पार्ट टू। तो ये सारी फिल्में हैं। निरहुआ हिंदुस्तानी पार्ट टू में क्या किरदार निभा रहे हैं? ये तो हम नहीं बताएंगे आपको, सिनेमा देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे डायरेक्टर का सख्त निर्देश है, बाबू कुछ मत बताना, क्योंकि सिनेमा हॉल में आप जाएंगे तभी मजा पाएंगे। तो अभी रउआ लोग हमारे एक पिक्चर देख ले हुई हैं, अभी जल्दी में रिलीज हो रहे ज्वाला। ज्वाला हमारा गाना बड़ा हिट रहे, चुम्मा चुम्मा नथिया के मोहरिम, अबे गाना याद ना है ना बाबू। नमस्कार, हम बानी संजय वर्मा, और रउआ लोग देख रहा बानी भोजपुरी अड्डा। तो सबसे पहले तो हम अपने बारे में बताई, हमार जिला अम्बेडकर नगर, हम रह वाला यूपी के है। बड़ी मुशक्क़त के बाद, आप लोग के आशीर्वाद के बाद, आज भोजपुरी में एक स्थान मिलल बा, लोगन के प्यार मिलल बा, और लोग हमरा के एज ए कॉमेडियन आप लोग के आशीर्वाद से इस्टेब्लिश कैले बाड़े। और हम चाहब कि यही तरह आप लोग हमरा पे अपन प्यार आशीर्वाद बनाए रखी। कहे से 2001 में हम मुंबई आईनी, स्ट्रगल करत करत 2013 में जाके आप लोग के आशीर्वाद से, ये भोजपुरिया के समाज से आज हमरा के ये स्थान मिलल बा। तो हम चाहब कि आप लोग ऐसे अपने बेटा अपने भाई पे आशीर्वाद बनाए रहें, और ऐसे हमरे की मुस्कुराहट देखत रहें। नमस्कार, मैं रामपाल सिंह, मेरे पिताजी का नाम डॉक्टर चंद्रभान सिंह, गोरखपुर में पैदा हुआ हूँ, वहीं पला बढ़ा हूँ, वहीं पढ़ाई लिखाई करके मुंबई महानगरी में आया, ये मेरी कर्म भूमि है। और जैसे आप जैसे लोगों के साथ में सहयोग मिला, काम करते करते यहाँ तक पहुँचा हूँ। और एक फिल्म
डायरेक्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है कथा छठ मैया की, और बहुत ही धार्मिक फिल्म है, बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। रामपाल जी, बात करते हैं जैसे कि भोजपुरी का जो आज के डेट में कल्चर चल रहा है और इसमें बहुत सा फ़र्क है, तो क्या मतलब कि दर्शक को आप किस तरह से पकड़ के ले जाएंगे अपने सिनेमा हॉल में बैठा के दिखाएंगे? देखिए, भोजपुरी कल्चर नहीं चल रहा है। भोजपुरी का जो कल्चर है वो सदियों से चला आ रहा है, ना कभी बंद ख़त्म होगा आना कभी ख़त्म हुआ है। भोजपुरी में कुछ लोग जो बना रहे हैं वो इस कल्चर को ख़राब करने की प्रयास किए हैं। हम यही चाहते हैं कि हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो कल्चर है, वो हमेशा बरकरार रहे। और इस फिल्म को हमारी पूरी प्रयास रहेगी कि इस फिल्म को देखने के लिए, चाहे आज के दर्शक फैमिली हों, जो लोग जिस टाइप की फिल्में देखते हों, सभी लोग मिलकर के इस फिल्म को देखें। और उम्मीद यही करता हूं कि फैमिली के साथ, परिवार के साथ, बच्चों के साथ लोग इस फिल्म को देखने आएंगे, देखेंगे और सराहेंगे। जय छठ मैया के नाम से देखते हैं तो यूपी बिहार में बड़ा फेमस पर्व है, इसको किस तरह से आप एस्टेब्लिश कर रहे हैं अपने भूमि, थोड़ा सा दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, छठ पूजा तो पता नहीं कब से मनाया जा रहा है। सूर्य उपासना सनातन धर्म से चला आ रहा है, सनातन है सूर्य उपासना का, उसी को एक छठ पूजा का रूप दे दिया गया है। हम दर्शकों के बीच में ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को एक समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जल देते हैं सूर्य नारायण का और नाम रखे हैं छठ मैया। छठ पूजा कहाँ से और कैसे शुरुआत हुई, उसका परिणाम, उसका दुष्परिणाम क्या हुआ, वो लोगों के बीच में पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि छठ पूजा, सूर्य उपासना एक बहुत बड़ा पर्व है जिसको किस तरीके से मनाया जाता है, और उसको कुछ लोग जो उसके खिलाफत बात करते हैं उनको किस किस तरीके सूर्य नारायण किस रूप में सजा देते हैं, फिर उन्हें मजबूर करते हैं कि आप धर्म और आस्था के प्रति निगेटिव सोच ना रखें, पॉजिटिव सोच रखेंगे तो आपका भला होगा जिस तरीके से हमारी भक्ति का भला हुआ। बस इतना ही है। कब तक फ्लोर पर जाएगी ये फिल्म? दिवाली, ये शूटिंग के फ्लोर पर तो हम करीब फेब एंड में जाने वाले हैं और रिलीजिंग की तैयारी वही लगभग लगभग दीपावली या नवरात्रि के आसपास। आज साधना जी का सॉन्ग रिकॉर्ड हुआ, कैसा, किस तरह से सॉन्ग था, मतलब कि ये साधना जी का जो सॉन्ग रिकॉर्ड हुआ वो लव डुएट सॉन्ग था और बहुत ही एक मतलब प्यारा सा गीत है। और इस गीत को हम यही कोशिश किए हैं कि जो पहली फिल्म बनी थी गंगा मैया तुहें पियरी चढ़ी, वो उसके जितने गाने थे, मेलोडी थे, जितने गाने डुएट हों या लव सॉन्ग्स हों, लोग बहुत प्यार से सुने, बहुत अच्छा लगा। उसी तरीके से प्रयास किए हैं कि इस गाने को भी लोग उसी तरीके से इंजॉय करें और सुने। बात करते कास्ट का, तो कास्ट किस तरह से रहेगा? कास्ट में मेन हीरोइन अंजना सिंह, सेकेंड हीरोइन है ऐश्वर्या राजपूत और संजय पांडे निगेटिव रोल हैं, आनंद देव मिश्रा, और एक अभी मेन हीरो के तलाश जारी है, सोनिया मिश्रा, रितु पांडे, आनंद मोहन बाबा, संजय वर्मा इत्यादि सारे कलाकार हैं जो इसमें काम कर रहे हैं। अपने दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे, नया साल पर क्या विशेष दे रहे हैं दर्शकों को? नया साल पर यही है कि सारे दर्शकों को, सभी लोगों को, कि नया साल हर लोगों के जीवन में खुशियाँ लेके आए, लोगों की इच्छाएँ पूरी हो, लोग बढ़िया से काम करें, अच्छी तरक्की करें, और साथ साथ में इस नए साल में आप सब लोगों का आशीर्वाद और सहयोग के साथ ये फिल्म रिलीज हो और लोग इसको देखें और इसको सराहें। थैंक यू। सबसे पहले बात तो टाइटल इसकी जो अभी हुई है, उसकी टाइटल है कथा छठ माई की, और हमेशा से एक सवाल मेरे मन में था कि छठ पूजा के पर्व में अक्सर हम लोग गांव घरों में या अपने प्रदेश में मनाया जाता है, बचपन से देखते चले आ रहे हैं। एज ए लेखक होने के नाते एक सवाल हमेशा मन में था कि हम पूजा करते हैं भगवान सूर्य नारायण की और छठ माई के नाम से संबोधन करते हैं, तो भगवान सूर्य नारायण पुरुष रूप को माना कहा गया और माई सब स्त्री रूप को कहा जाता है, तो ये संबंध क्या है, इसके पीछे कारण क्या है? इस कारण को ढूंढने के लिए बहुत सारा प्रयास किया गया, बहुत सारी कोशिश की गई, बहुत सारी किताबें पढ़ी गई, तमाम लोगों से पूछा गया, लेकिन इसका आंसर किसी ने सटीक नहीं दिया। फिर ये कहावत है कि अगर सच्ची लगन है दिल में कुछ पाने की तो कभी न कभी
वो ज़रूर मिलती है। और यही हाल हमारे साथ भी हुआ, एक छोटी सी कथा कहीं किसी धार्मिक पुस्तक में पढ़ने को मिली और लगा कि यही है छठ माई की असली कथा, और मन में बेचैनी सी हुई कि इसको बनाया जाए, लोगों को बताया जाए और इस छठ पर्व की आस्था से अधिक लोगों को जोड़ा जाए और इस तरीके से जोड़ा जाए कि अभी तक हम सिर्फ मान करके पूजा करते थे, अब कोशिश ये होनी चाहिए कि इसको जान करके पूजा किया जाए, तो शायद विश्वास, भरोसा, आस्था और भी लोगों का पक्का हो। अपने दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? आज दर्शकों से यही कहना चाहेंगे कि भाई इस कथा को सजाने के लिए, आप लोगों को खुश करने के लिए, आप लोगों का मनोरंजन करने के लिए, आप लोगों का आस्था छठ माई से जोड़ने के लिए हमने कुछ बातें काल्पनिक भी रखी है, अगर इसमें कोई छोटी मोटी भूल हो जाए, चूक हो जाए, तो मैं आप लोगों से क्षमा चाहूँगा और हाथ जोड़कर प्रार्थना करूँगा कि अगर ये मूवी बनती है, लोगों के बीच में आती है, तो आप लोग इसको सिर्फ एक विश्वास, एक आस्था छठ माई के नाम पर इस चीज़ को देखिएगा। मेरा मकसद सिर्फ है आपकी आस्था से, आपकी आस्था को माता जी के तरफ ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास के साथ जोड़ना। थैंक यू। और इसके साथ साथ मैं आने वाले इस नए साल के लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। माता रानी करें कि आप सभी के घरों में, आपके सभी परिवार में, सभी के दोस्तों के लिए एक बहुत सारी खुशियां लेकर ये साल आए। अपकमिंग प्रोजेक्ट आपका अभी रिलीज पे कौन कौन सा है? जी अभी तो तत्काल पिक्चर हमारी रिलीज होकर गई है, होगी प्यार की जीत, आने वाली फिल्म है सहंसा, और शूट पर जाने वाली दो तीन पिक्चरें और हैं जो पवन जी के साथ, खेसारी जी के साथ और भी कुछ लोगों के साथ चल रही है। ओके, थैंक यू।